हम यहाँ बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के गेट पर खड़े हैं और यहाँ हमें कई ऐसे लोगों से मिलना हुआ है जो बहुत ऐसी बातें बता रहे हैं, आप खुद से जानिएगा। कहाँ से हैं आप सर? हम फुलवारी विधानसभा 188 रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी है। मेरा नाम सुरेश पासवान है और लोक जनशक्ति पार्टी के हमको उम्मीदवार बनाया गया है। हमने 16/10/20 को नामांकन किया और पार्टी का जो ऑथराइजेशन होता है सिंबल का, वो ए और बी फॉर्म होता है। बी फॉर्म पूरा पूरी भरा हुआ था और ए फॉर्म जो उसमें अभी वो कैमरे पे आप बता देना, देख लो कैमरा जरा लेके आओ, क्या बता रहे हैं। सिर्फ इसमें ये फॉर्मेट में सिर्फ चिराग पासवान लिखना था जो सिंबल अलॉटमेंट का ए प्रपत्र है, और इसमें नेम ऑफ माने एलजेपी हो जाएगा, इसमें ऑल बिहार लिखना था, बस मिस्टेक तो हल्का। साथ के साथ क्यों नहीं भरवाया उन्होंने? वो देखना चाहिए था उनको उसी समय, ये कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं था, ये सिर्फ उनका भराना था, बाकी का दस्तखत और मोहर सभी मौजूद थे, सभी प्रक्रियाएं पूरे थे, सिर्फ ये दस्तखत चिराग पासवान का और सारा चीज का, पार्टी का फॉर्म का सब। जब एक बार ले लिया गया इसको चेकअप करने के बाद, तो इसमें समीक्षा के समय देखनी चाहिए थी, लेकिन इनके द्वारा समीक्षा के पहले ही, यानी कि नियमानुसार जो गाइडलाइन है निर्वाचन विभाग का, वो गाइडलाइन कहता है कि अगर फॉर्म जमा हो गया तो वो सरकारी अभिलेख हो गया, सरकारी अभिलेख को फिर नहीं दिया जा सकता है, और इन्होंने एरर को ठीक कराने का काम नहीं किया, हल्का एरर जो था उसको ठीक नहीं कराते हुए उन्होंने कहा कि दूसरा प्रति लाइए, जबकि वो करना ही नहीं था। 250 में मेरे पास रिसीविंग है कि आपके पास हमने नॉमिनेशन किया है, उसका कॉपी है मेरे पास। जब 250 में हम करते हैं तो यह आप कैसे कहिएगा कि हम समय पर हमको आपने नहीं दिया? तो पूरी पूरी हम जिला परिषद के सदस्य वहाँ रहे हैं। अभी फिर क्या विकल्प बचते हैं आपके पास? क्या हम अपीलीय पदाधिकारी हैं जिसके गेट के सामने हमने अभी आवेदन दिया है, अपील किया है कि मेरी सुनवाई की जाए, और सच्चाई से हमने अवगत कराया है इनको, फैक्स के माध्यम से भी और हार्ड कॉपी के माध्यम से भी हमने इनको आवेदन दिया है। अगर मेरा सुनवाई यहाँ नहीं होता है उचित, तो हम हाई कोर्ट भी जाएंगे। सुरेश जी, और क्या वजह क्या लगती है आपको, ऐसा क्यों किया जाए? वजह इसलिए लगता है कि हम क्षेत्रीय वहाँ के नेता हैं, हम 5 साल जिला परिषद के सदस्य रहे हैं, 5 साल प्रमुख रहे हैं, आत्मा के सदस्य के, आत्मा के अध्यक्ष रहे हैं, और वर्तमान में भी अभी आत्मा के अध्यक्ष हैं, और प्रदेश कार्य समिति भाजपा के हम सदस्य रहे हैं। तो इससे और क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि मेरी लोकप्रियता काफ़ी है सभी वर्गों में, सभी वर्गों का ममत्व हमको मिलने वाला था, और वह ममत्व अमृत में बदल जाता तो सरकार ने इस सीट से घबरा गई है। पटना जिला का अगर कोई साफ साफ चुनाव जीतने का था तो एलजेपी के उम्मीदवार को यहाँ जीतने का था, इसलिए सरकार ने घबरा गई है, और इसी वजह से, इसी मंशा से हमारा नाम निर्वाचन रद्द कराया गया है।